नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। और आपके साथ मैं हूं फराह खान। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई और इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ईडी रॉबर्ट वाड्रा के जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उन्हें आज दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा ने जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए ईडी आज भी उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के वकील का दावा है कि उन्होंने ईडी के साथ पूछताछ में पूरा सहयोग किया और आगे भी करते रहेंगे। आपने जो भी क्वेश्चन उनसे पूछा गया है उन्होंने जवाब दिया है। अभी क्वेश्चन आंसर मैं नहीं कह सकता बिकॉज इन्वेस्टिगेशन ऑन है। हमारा मैटर सर कल बुलाया, प्लीज डोंट प्रेजुडिस। सर रॉबर्ट वाड्रा को कल पूछताछ के लिए बुलाया है क्या? पूछताछ की अगली कड़ी कब है सर? सर कब बुलाया? ठीक ही दिया, अब हमको जब बुलाएंगे ही विल कम, ही विल कम एंड इज ऑन हिज ओन। जहां तक रॉबर्ट वाड्रा का सवाल है हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे सिवाय एक के, बहुत बड़े परिवार के व्यक्ति को भी कानून के आगे जाना पड़ा। ये देश के लोकतंत्र और कानून की प्रक्रिया के लिए। वहीं ईडी के सामने रॉबर्ट वाड्रा की पेशी पर बीजेपी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन इस पूरे मामले को कानून और लोकतंत्र की सफलता बताया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से 5 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ की और इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा से कई सवाल पूछे गए। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से पूछा कि क्या लंदन की ब्राइनस्टन स्क्वायर की प्रॉपर्टी उनकी है, उनका इस प्रॉपर्टी से क्या लेना देना है, क्योंकि प्रॉपर्टी के रिनोवेशन से जुड़े मेल उनके नाम पर भेजे गए हैं। क्या ये सही है कि लंदन की प्रॉपर्टी के फ्लोर प्लान के लिए आपको यानी रॉबर्ट वाड्रा को अप्रूवल भेजा गया था? ईडी ने ये भी पूछा कि 2010 में ये प्रॉपर्टी हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़ी थी तो इसके ईमेल में रॉबर्ट वाड्रा को का नाम क्यों आ रहा है। साथ ही ईडी ने पूछा कि रॉबर्ट वाड्रा से प्रॉपर्टी बनाने के लिए फंड मांगा गया और उन्होंने ईमेल भेजने वाले सुमित चड्ढा को फंड जुटाने का भरोसा दिया, तो आखिर रॉबर्ट वाड्रा फंड का इंतजाम क्यों कर रहे थे। 5 घंटे से ज्यादा चली पूछताछ में ईडी ने सवाल किया कि रॉबर्ट वाड्रा को भेजे जाने वाले हर ईमेल की कॉपी संजय भंडारी को क्यों दी जा रही थी और रॉबर्ट वाड्रा संजय भंडारी और सुमित चड्ढा को कैसे जानते हैं। आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, कल 5 घंटे तक ईडी ने सवाल जवाब किए, उसके बाद आज फिर उन्हें बुलाया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल 10:30 बजे का समय तय किया गया है ईडी ने, जब उन्हें फिर से ईडी की पूछताछ का सामना रॉबर्ट वाड्रा को करना होगा। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं सोर्सेज से कि मनोज अरोड़ा सामने बिठाकर रॉबर्ट वाड्रा से क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जा सकता है। ये बहुत बड़ी एक जांच होगी अगर ऐसा होता है तो, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि दोनों को आमने सामने बिठा के पुलिस ईडी ये पूरी जांच करेगी। मुख्य आरोपी मनोज अरोड़ा जो अंतरिम राहत पर है 16 फरवरी के लिए, सूत्रों के मुताबिक उन्हें संबंध जारी करके और पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और जो जो तथ्य मनोज अरोड़ा ने जांच पर सामने रखे हैं वही सवाल रॉबर्ट वाड्रा से पूछे जाएंगे और देखा जाएगा कि उनका रॉबर्ट वाड्रा क्या जवाब देते हैं। कल रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने लगातार ये जानने की कोशिश की कि आप जमीन ने कैसे प्रॉपर्टी बनाई, उस पर रॉबर्ट वाड्रा ने साफ तौर पर मना कर दिया कि उनकी लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। आपको बता दें कि ईडी के सामने अगर कोई भी कोई एक्यूज या जिससे पूछताछ हो रही है अगर कोई भी बयान वो देता है तो वो मजिस्ट्रेट को दिया बयान माना जाता है। तो ईडी ने लगातार रॉबर्ट वाड्रा से ये कहा कि आप जो भी चीज बोल रहे हैं वो एक तरीके से अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। देखना ही होगा कि आज की पूछताछ में ईडी क्या नए सवाल लेकर आती है रॉबर्ट वाड्रा से पूछने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका। मध्य प्रदेश में सरकार तो बदल गई लेकिन गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले अब भी बेखौफ हैं और जमकर बवाल मचा रहे हैं। नई सरकार में भी राज्य के गुना में गोरक्षकों ने एक ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की। ये सारा तमाशा पुलिस के सामने हुआ क्योंकि गायों से भरा ये ट्रक पुलिस वालों ने ही पकड़ा था जिसे वो गौशाला लेकर पहुंच गए, लेकिन गोरक्षकों को इस बारे में खबर लग गई। 8 से 10 लड़के कुछ ही समय में वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने ट्रक के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए।
दो लड़के डंडे बरसा रहे थे और कुछ ट्रक के ऊपर चढ़े हुए थे। गोरक्षा के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी चल रही थी, लेकिन पुलिस वाले सिर्फ पीछे से उन्हें रुकने के लिए आवाजें लगा रहे थे। गोरक्षकों ने जब आपा खोया तब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान भी कुछ लड़के ट्रक के टायरों की हवा निकालने लगे। कुछ लड़के ट्रक के ऊपर भी चढ़े हुए थे। इन लड़कों को गिरफ्तार करने की जगह पुलिस उन्हें मना रही थी और शायद घबराई हुई थी। इससे पहले सत्ता में रही शिवराज सरकार में गोरक्षकों की गुंडागर्दी देखने को मिलती थी, लेकिन अब नई सरकार में भी गोरक्षकों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, क्योंकि गोरक्षकों ने जिस ट्रक में तोड़फोड़ की, दावा है कि गायों से भरा वो ट्रक राजस्थान से आ रहा था, जिसे पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। लेकिन जब ट्रक में तोड़फोड़ के बाद हंगामा ज्यादा बढ़ा तो पुलिस वालों ने गोरक्षकों को पकड़ लिया। इससे टकराव जैसे हालात बन गए। गोरक्षकों ने खींचतान की, पुलिस वालों को धक्का मारा, कुछ ने हाथ पैर चलाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें और हंगामा नहीं करने दिया। इस खींचतान में एक लड़का घायल होकर नीचे गिर गया। उसके साथी पुलिस के डर से भाग चुके थे। हंगामे के बीच ट्रक से गायों को गोशाला में छोड़ दिया गया। पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में कई गोरक्षकों को भी हिरासत में लेने की जानकारी दी। क्योंकि पुलिस का दावा है कि गोरक्षकों ने गलत मकसद से तोड़फोड़ की और वहां माहौल खराब किया। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में ये बात साबित नहीं हुई है कि ट्रक में जो गायें थीं उनकी तस्करी की जा रही थी, यानी अब तक की जांच में गो तस्करी के आरोप साबित नहीं हुए। दावा है कि पुलिस ने ट्रक को इसलिए कब्जे में लिया था क्योंकि ट्रक राजस्थान से आ रहा था, लेकिन ड्राइवर के पास जरूरी कागज नहीं थे, जिसके बाद शक के आधार पर ट्रक को पकड़ लिया गया। लेकिन गोरक्षकों ने उत्पात मचाया, ट्रक में तोड़फोड़ की और यह अफवाह भी उड़ा दी कि पुलिस ने जिस ट्रक को पकड़ा उसमें गायों की तस्करी की जा रही थी। यह अफवाह कई इलाकों में फैल गई, जिसकी वजह से पुलिस को सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। हालांकि उसने गो तस्करी के दावे को अफवाह ही बताया।